पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हमीरपुर में पूरा दिन कर्फ्यू लगा रहा। पुलिस के जवान कैंपस के चारों ओर घूमते नजर आए। छात्र संगठनों में भी तनावपूर्ण माहौल देखा गया। कॉलेज में लड़ाई झगड़े के चलते छात्रों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। छात्र भी सही ढंग से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि शनिवार को एबीवीपी और एसएफआई कार्यकर्ताओं के बीच खूनी झड़प हुई थी। उसी को ध्यान में रखते हुए हमीरपुर कॉलेज पुलिस छावनी में तब्दील हो गई है। कैंपस के चारों ओर पुलिस का कड़ा पहरा रहा। छात्र संगठन भी पुलिस की चौकसी को देखकर कुछ नहीं कर पाए। हालांकि दोनों संगठनों में तनावपूर्ण माहौल देखा गया। छात्रों ने पुलिस के कड़े पहरे में ही कक्षाएं लगाई। कॉलेज कैंपस खाली होते ही पुलिस भी वापस लौट गई। सूत्रों की माने तो कॉलेज में कुछ बाहरी तत्व सुरक्षा घेरा तोड़कर अंदर घुस रहे हैं। छात्रों की माने तो कॉलेज गेट पर सख्ती से निपटा जाए तो कोई भी आउटसाइड अंदर नहीं आ सकेगा। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर हरदेव सिंह जम्बाल का कहना है कि छात्र संगठनों में बीते दिनों लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस बल बुलाया गया था ताकि कॉलेज में दोबारा माहौल तनावपूर्ण ना हो सके। जो भी एप्लीकेशन आई थी, ये इनका कहना था कि बार बार समझौता हो जाता है कि हमने समझौता नहीं करना है। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के पास एक ही ऑप्शन होती है कि बच्चों को प्यार से समझाया जाए, समझौता करवाया जाए। हम भी नहीं चाहते कि कोई केस बने। अब जब बच्चे फोर्स करते हैं या ये पार्टी वाले फोर्स करते हैं बच्चे ये हमारा केस फॉरवर्ड करें, तो उस सिचुएशन में हम फॉरवर्ड करते हैं केस। तो वही परसों हुआ है कि जो भी एप्लीकेशन आई उनका कि पुलिस को फॉरवर्ड करनी है, तो मैंने ओरिजिनल में फॉरवर्ड कर दी थी। और बच्चों का जो मेडिकल था वो भी मेडिकल के लिए साथ पुलिस असिस्टेंस भी गई है, दो तीन पुलिस वाले भी गए थे। तो हमारा कॉलेज प्रशासन की तरफ से जो हो सकता है वो हमने किया है। सख्त कार्रवाई करेंगे हम, और जो अकेडमिक माहौल है उसको भी खराब होने देंगे। इसलिए आज मैंने पूरा स्टाफ 9:30 बजे यहाँ बुलाया था कि पूरा ये डिसिप्लिन माहौल करें, ताकि जो बच्चे पढ़ने आते हैं और 99% बच्चे पढ़ने आते हैं उनका कोई लॉस ना हो, का सहयोग मिल रहा है, पुलिस का भी सहयोग मिल रहा है। मुझे सुबह घर पर ही 7:30 बजे पता लग गया कि आज फिर दोनों गुटों में लड़ाई होने वाली है और बहुत माहौल मतलब तनावपूर्ण होगा। तो मैंने भी अपनी तरफ से घर से 8:30 बजे फ़ोन कर दिया था पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को कि 9 बजे पुलिस भेजी, और उन्होंने बड़ी तत्परता के साथ हमारा साथ दिया है। और पुलिस तैनात हो गई थी फ्रंट गेट पर, और दूसरा जो NIT का गेट है उसमें पर भी पुलिस थी। अब तनावपूर्ण था सुबह, लेकिन दोनों गुटों को समझा दिया कि शांतिपूर्वक माहौल बनाएं और क्लासेस में जाएं, एकेडमिक्स प्रमोट करें। लड़ाई झगड़े में कोई बड़ा फायदा होने वाला नहीं, किसी भी गुट को नहीं होने वाला है। तो बच्चे अभी तक तो शांत हैं, अभी तक हमारे पास कोई ऐसी खबर नहीं है।